Hello viewers, I am Deepthi. I am going to show the marking scheme of all the questions. किस स्टेप पे कितने मार्क्स हैं, किस स्टेप पे कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे, कितने मिलेंगे, ये भी मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ. नाउ कमिंग टू सेक्शन बी, इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 अवर फर्स्ट पार्ट इज फ्रॉम मैट्रिसेस चैप्टर. ए बी एंड सी थ्री मैट्रिसेस आर गिवन एंड वी नीड टू गिव द वैल्यू ऑफ ए सी प्लस बी स्क्वायर माइनस 10 सी. वी नीड टू फाइंड दिस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए सी को कैलकुलेट करेंगे. अब ए सी में मल्टीप्लीकेशन है, कॉम्यूटेटिव नहीं होती है, तो हमें ध्यान रखना है कि हमने ए और सी की ही सिक्वेंस में लिखना है. हम सी को पहले नहीं लिख सकते हैं. ए आ गया और उसके बाद सी को ध्यान से कॉपी कीजिए. दोनों हमने कॉपी कर दिया. अब इसका हमने मल्टीप्लाई करना है. तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम किस तरह से करते हैं, रो में हॉरिजॉन्टल एरो ऐसे लेके और फिर यहाँ कॉलम में हम इस तरह से एरो ले लेते हैं ताकि हमारा गलती ना हो जाए. तो हमने पहले नंबर को पहले एलिमेंट से किया तो 2 1 2 हो जाएगा. फिर 3 को इसके साथ किया, -3 आ गया. फिर सिमिलरली हम सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 2 को 0 के साथ किया, 0, और 4 3 12 आ गया. इसी तरह हम सेकंड रो लेंगे, 5 1 5 हो गया, -7 हो गया. फिर 5 0 0 हो गया, 7 4 28 आ गया. इट मीन्स हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -1 12 -2 एंड देन 28. अब सेकेंड हमने बी स्क्वायर निकालना है. तो बी स्क्वायर के लिए तो बी ही मैट्रिक्स को बी से ही करना है. तो 0 -1 4 एंड 7. फिर अगेन 0 -1 4 एंड 7. वही रूल रहेगा, हम हॉरिजॉन्टल ऐसे रो कर लेंगे फिर वर्टिकल कॉलम का लेंगे. तो 0 को 0 से किया, 0 4 1 4 हो गया. फिर 0 को सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे तो पहला नंबर में 0 7 4 28 आ गया. नीचे करेंगे तो यहाँ 0 आ गया और इसके साथ -7 आ गया. सेकंड कॉल रो की बात कर रही हूँ मैं, -4 देन 7 7 49 आ गया. इट मीन्स -4 28 -7 and 49 -4 is 45. तो ये आपके पास आ जाएंगी वैल्यू, -1 -2 12 and 28 देन -4 -7 28 and 45. अब 10 सी है तो वो तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं. तो 10C के लिए हम इनको दोनों को एक एक वैल्यू में भरते हैं, यानी कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को इस वैल्यू में पुट करने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ से हम इसको नीचे लेके आ रहे हैं, इट मीन्स हम ये स्टेप यहाँ से कर रहे हैं. अब इसकी वैल्यू को ध्यान से कॉपी कीजिए. ये हमारा ए सी है, -1 -2 12 and then 28 देन +b² तो प्लस और बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ -4 -7 28 and then 45. इसके बाद -10c, तो c को डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आ जाएगा, 10 -10 0 and 40. अब बस लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, -1 -4 and then -10, हेयर 12 + 28 और 0 आ जाएगा, देन -2 -7 + 10, हेयर 28 + 45 -40. अब इनको कैलकुलेट कीजिए आपके पास कितना कितना आंसर आ रहा है. तो ऊपर भी हमारे पास आ रहा है, माइनस का ही सब कुछ है तो माइनस का 15 आ जाएगा, देन 40, देन 1 एंड देन 33. तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. अब इसकी मार्किंग स्कीम में जब आप एक ए सी की वैल्यू निकाल चुके हैं ये वाली करेक्ट तो आपको एक मार्क मिल जाएगा, फिर आप बी स्क्वायर की निकाल चुके हैं तो आपको एक और मार्क ऐड हो जाएगा, और फिर आपने फाइनली आंसर दे दिया तो आपका एक मार्क और ऐड होगा क्योंकि हम सेक्शन बी में आ गए हैं और सेक्शन बी में हमारा 3 3 4 वाला वही सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये फर्स्ट पार्ट आपका 3 मार्क्स के लिए था. नाउ कमिंग टू सेकंड पार्ट जो कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से लिया गया है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपके पास फाइनल सिग्निफिकेंट फिगर्स के में आपको देना है. इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हमने आंसर देना होता है, इट मीन्स हमारे को उसका डेसिमल से एक डिजिट पहले का भी काउंट करना है और डेसिमल का एक डिजिट बाद का भी काउंट करना है. 2 सिग्निफिकेंट मीन डेसिमल के दोनों तरफ के डिजिट को हम काउंट कर सकते हैं. अगर अप टू करेक्ट डेसिमल प्लेसेस कहेगा तो हम डेसिमल के सिर्फ आगे वाले को काउंट करते हैं. इस बाइफर्केशन को बहुत अच्छे से समझना है, नहीं तो आपका सारा क्वेश्चन ठीक होने के बाद भी लास्ट स्टेप में जाकर नंबर मिलना है और वो आपका फिर डिडक्ट हो जाएगा. अगर आपने वो करेक्ट जो करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस या सिग्निफिकेंट डिजिट वो अच्छे से नहीं समझा. तो स्टार्टिंग तो बहुत ईजी है, x -18/x = 6 है. तो एलसीएम लेंगे, एक्स हो गया x² -18, उस तरफ 6 है तो x² इधर ले आएंगे तो -6 हो गया, -18 हो गया, 0 हो गया. इट मीन्स a क्या है, 1 है, b क्या है, -6 है, c क्या है, -18 है. तो हमने a b और c तीनों की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, a b c तीनों की वैल्यू को हमने निकाल लिया. अब फॉर्मूला हमें पता ही है, x = -b + -√
बी स्क्वायर माइनस फोर एसी, आप चाहें तो फोर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी को अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। माइनस बी में से माइनस माइनस सिक्स करूंगी तो प्लस का सिक्स आ जाएगा, अंडर द रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस सिक्स का स्क्वायर यानी कि 36 हो गया, 4 आ गया, ए 1 है और सी हमारे पास माइनस का 18 है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या हमारे पास 2 है और क्योंकि ए 1 है इसलिए तो 6 प्लस माइनस अंडर द रूट 36 और यहाँ पर आपके पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और सी भी आपके पास माइनस का है तो ये हमारा टोटल मिलकर प्लस का हो जाएगा, इट मीन्स ये प्लस का हो गया और 18 फोर 72 यहाँ पर आ गया आपके पास और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 चल रहा है, 6 प्लस माइनस अंडर द रूट इन दोनों को प्लस करेंगे 6 एंड 2 8 108 हो जाएगा, 108 और डिवाइडेड बाय 2। अब 108 के फैक्टर्स बनाएंगे आप तो आपके पास 36 इंटू 3 आ जाएगा, तो 36 इंटू 3 और डिवाइडेड बाय 2, 6 प्लस माइनस 36 मीन्स 6 में बाहर ले सकती हूँ, एक हम ले सकते हैं और नीचे अंडर रूट 3 आ जाएगा साथ में और इधर 2 आ गया, अब ऊपर वाले में से भी हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और नीचे भी 2 आ जाएगा, तो हमारे पास ये आ गया आंसर। अब इसी के अंदर दोनों आंसर हमारे अंदर ही हैं, 3 प्लस अंडर रूट 3 एक रूट आ जाएगी और 3 माइनस अंडर रूट 3 एक और है, लेकिन आप यहाँ पर ये देखिए मैंने 2 कॉमन लिया है तो यहाँ से 3 और यहाँ से 3 अंडर रूट 3 है तो 3 अंडर रूट 3 को पहले हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब अंडर रूट 3 की वैल्यू तो 1.732 होती है हम सबको पता ही है, तो उसके साथ कैलकुलेशन अच्छे से करनी है, 3 प्लस यहाँ पर 3 और 1.732 हो गया और यहाँ पर 3 माइनस 3 और 1.732 और 2 आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे 732 तक पूरा ले लें ताकि जब आप राउंड फिगर करेंगे तो आपके पास बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, तो पहले वाले में आ रहा है हमारे पास 8.196 जिसको हम करेक्ट अप टू उसने क्या बोला है टू सिग्निफिकेंट डिजिट, तो टू मीन्स 8 तो हम छोड़ नहीं सकते, 196 को हम राउंड फिगर करेंगे यानी कि 2 आ जाएगा, तो 8.2 हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा और उस तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस हम कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है माइनस 2.196, बस मल्टीप्लाई करके माइनस करना है और कुछ नहीं है इसके अंदर, जब इसको भी राउंड फिगर करेंगे तो माइनस 2.2 आ जाएगा, तो इट मीन्स एक्स के हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं, दो रूट्स आ रहे हैं, तो x इज इक्वल टू एक रूट होगी 8.2 और एक हो गई 2.2, ये दो रूट्स आएंगे आपके पास पूरी पूरी। अब इसमें मार्क्स की बाइफरकेशन क्या है, जब आप फॉर्मूला ठीक उठा लेंगे और फॉर्मूले में सब्सटीट्यूशन ठीक कर देंगे तो यहाँ पर आपको एक मार्क मिल जाएगा, यानी कि स्टूडेंट कैन इजीली आइडेंटिफाई कि ए बी सी क्या है और फॉर्मूले में अच्छे से डालना उसको पता है, ये हो गया। अब ये 3 मार्क्स का टोटल है तो यहाँ पर एक मार्क आपको यहाँ मिलेगा और एक मार्क आपका दोनों में से अगर कोई एक रूट भी ठीक है तो एक मिल जाएगा, अगर दूसरा रूट भी ठीक है तो आपको ये दूसरा मार्क मिल जाएगा, तो दोनों करेक्ट होगा तो लास्ट वाला नंबर आपको उसी का मिलेगा, एक दोनों में से ठीक है तो वहां तक का एक हो गया और दोनों पूरे ठीक है तभी 3 मार्क्स मिलेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए ही आया हुआ है, तो 3 मार्क्स के इस क्वेश्चन के लिए भी आपको थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट जो हमारा सिमिलैरिटी चैप्टर से आ रहा है, तो सिमिलैरिटी का भी इस बार दो क्वेश्चंस तो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आएंगे क्योंकि इस बार पूरा चैप्टर आ रहा है सिमिलैरिटी का, एरिया वाला पोर्शन भी आ रहा है जो कि लास्ट ईयर के पोर्शन में नहीं था, इट मीन सिमिलैरिटी कुछ मार्क्स में लोसाई हो गया, जीपी हो गया, जो नए चैप्टर्स हैं शेयर एंड डिविडेंड हो गया, तो इसमें हमारी मार्किंग स्कीम स्पेसिमन पेपर की मार्किंग स्कीम से थोड़ी सी वैरी करेगी क्योंकि वहां तो उन्होंने एक एक या दो नंबर में दे दिए हुए हैं लेकिन यहाँ ज्यादा मार्क्स के आएंगे तो आपके किसी और के मार्क्स थोड़े से कम होंगे तभी तो टोटल पेपर तो उतने ही मार्क्स का बनने वाला है, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कोई भी जो हमने पहले मार्क्स लिए हुए हैं रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर इसमें थोड़ा सा कम करके इस तरफ जाएंगे मार्क्स आपके, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए कि हमारे को ये चैप्टर्स भी आने हैं यहाँ पे। अब इसमें हमें फिगर दिया गया है, फिगर के अंदर हमें आइडेंटिफाई करके पहले ध्यान से फिगर बनाने की कौन सा एंगल किसके लिए दिया गया है, फिगर ए बी और सी ट्राइंगल है और डी ई यहाँ पर दिया गया हमारे पास और दो एंगल्स हमें दिए गए हैं ये और ये एंगल। अब फिगर की स्टेटमेंट देखिए, एबीसी इज अ ट्राइंगल विद एंगल ई डी बी, ई डी बी EDB means ये एंगल हो गया हमारे पास, इसके इक्वल किसके ACB, ACB इट मींस ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, प्रूव दैट ट्रायंगल ABC और EBD सिमिलर हैं, नाम जो दिया गया उनको ले लेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EBD, तो पूरा हमने EBD यानी ये वाला ट्रायंगल लिया है और ए बी सी वाला लिया, यानी कि दोनों के बीच में क्या आ रहा है बी बी आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी हमारे पास कॉमन आ जाएगा और दूसरा एंगल जो हमें गिवन है यानी कि क्या जो उसने नाम दिया हम वही नाम लिख देंगे यहाँ पर ई डी बी, यानी इसका वाला आ गया ई डी बी और यहाँ से दूसरा कौन सा हमारे क्वेश्चन में गिवन था, जो एंगल गिवन है वही हमने लेना है ए सी बी, अब ये हमें क्वेश्चन में गिवन है
और फिर इसलिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ईबीडी। किससे हो रहे हैं? ए ए एक्सियोम से। 99% ये आपके ए से ही होते हैं, हालांकि दो और चीजें भी हैं लेकिन ज्यादातर हम इसी एक्सियोम को यूज करके इनको सिमिलर प्रूव कर लेते। तो सिमिलैरिटी हो गई ए ए से। अब इसके बाद जब सिमिलैरिटी हो ही गई, आप लिख देंगे भाई ए ए सिमिलैरिटी। अब इसके बाद हमें मांगा क्या गया है क्वेश्चन के अंदर, वैल्यूज दी गई हैं। नाउ बीई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। बीई मीन्स ये वैल्यू हमारे पास 6 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है। ई सी इज इक्वल टू 4 मीन्स हमारे पास ये वैल्यू गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास बी डी इज इक्वल टू 5, बी डी इज इक्वल टू 5 ये वैल्यू भी गिवन है। ये तीन वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब एरिया भी हमें बी डी का गिवन है। खैर एरिया हमें सेकंड पार्ट में आना है। अभी हमें निकालना क्या, लेंथ ऑफ ए बी। तो सबसे पहले जब हम जिस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करते हैं उसकी फिगर को ना देख के उसके नाम को देखना है। नाम को देखिए, जैसे यहां आपने ए बी लिया तो अब यहां से आप ई बी लेंगे, यानी हम क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो प्रोपोर्शन में है तो ए बी और ई बी का प्रोपोर्शन सेम होगा। यहां से हम बी सी ले रहे हैं, नाम से बी सी है तो यहां से इस तरफ से हमारे पास बी डी आ जाएगा। बचा कौन, ए सी, फर्स्ट और थर्ड वाला ए सी, तो इधर से आ गया ई डी, ये तीनों आ गए। अब हम बाद में लिख लेंगे कि किस में से क्या आ रहा है, और इसके लिए हम क्या लिख देंगे, दे आर द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल शुड बी इन प्रोपोर्शन। तो corresponding sides of similar triangles are in proportion, तो इतना सा आपको थ्योरम के लिए लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तभी आपका जस्टिफिकेशन होगा कि हाँ जी आपको पता है। तो अब इसके बाद हमें जो चीज गिवन है, आप जो गिवन है वो देखते हैं। हमें मांगा क्या गया है, ए बी मांगा गया, तो ए बी का तो एज इट इज लिख देते हैं। अब ई बी की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, ई बी की वैल्यू 6 दी हुई है। बी सी, बी सी, बी सी पूरा दिया हुआ है। बी सी कितना है, बी ई प्लस ई सी, कितना हो गया 6+4, यानी कि 10। आप 6+4 पर शो कर सकते हैं। फिर बी डी, बी डी कितना है, 5 होगी हमारे पास। तीन चीजें ए बी निकालने के लिए हमें यही, कोई या ये पेयर का गिवन होगा या ये पेयर का गिवन होगा, तो हमें मिल गया यहीं से। तो ए बी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 60/5, इट मीन 12 आ जाएगा। और सारी डायमेंशन सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा, तो 12 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट के लिए उसने हमसे एरिया मांगा है, तो एरिया के लिए पहले हमें, हमने अभी इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रेंट सॉरी सिमिलर ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है। तो सिमिलर प्रूफ करने के बाद हमें पता है कि इनकी जो साइड्स प्रोपोर्शन में है ये इनका एरिया उनके स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये थ्योरम हमने यूज करनी है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो जो हमने प्रूफ किए हैं उन्हीं के नाम लिख सकते हैं, हम सबके नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी क्वेश्चन में जो मांगा है वो वही है जो दिया भी हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर हमारे पास ई बी डी आ जाएगा। अब इसका कौन सी साइड का प्रोपोर्शन लेना है, जो भी दो साइड्स गिवन है उसमें से कोई सा भी ले सकते हैं, आपके पास आंसर सेम आएगा। जैसे यहाँ पर हम ए बी और इसका ले लेते हैं, तो ए बी कितना हमारे पास, ए बी अभी हमने कैलकुलेट किया 12 है, तो ऊपर वाला हमारा ए बी का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हमने वो वाली साइड लिया है, और नीचे वाला हमारा ए बी के नीचे क्या है, ई बी, ई बी मतलब 6 हो जाएगा, तो ई बी हो गया। अब ए बी की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो इट मीन्स 12 स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या है, 6 स्क्वायर हो गया। इट मीन्स इसको अगर हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो 12 × 12 आ जाएगा, नीचे 6 × 6 आ जाएगा, तो 6 × 2 = 6, 2 = 6, 2 = 6, 2 = 6, तो 2 × 2 = 4 आ गया, तो 4/1 आ गया। अब मुझे इसमें से किसकी निकालनी है और किसका गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मुझे निकालना है, तो ई बी डी का गिवन होगा। ई बी डी का यानी बी ई डी का, ट्राइंगल तो सेम ही रहेगा, मैं ई बी डी बोलूँ या बी ई डी बोलूँ, तो 9 दिया हुआ है। तो हम इसी फिगर, इसी फर्स्ट इक्वेशन को हम दोबारा ले रहे हैं नीचे, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन, हमने इसका वैल्यू हमारे क्वेश्चन में गिवन है तो वैल्यू वहां पर फिल कर देंगे, अपॉन 9 इज इक्वल टू 4/1। तो यहां से हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आ जाएगा 9 × 4, यानी कि 36, और क्योंकि ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना नहीं भूलना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर भी लगाएंगे। थ्योरम जरूर लिखनी है, यहाँ पर भी लिखनी है, और ये इस पॉइंट पे तो बहुत ही जरूरी है, और कैसे भी ये वाला एक्सरसाइज अभी नया ऐड हुआ है तो इस पे बेस क्वेश्चन तो आपको बोर्ड में भी आएगा, तो हमें ये जरूर लिखना है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। तो यहाँ पर ये चीज आप जरूर लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का हमने स्क्वायर जरूर लेना है। इसको चेक करने के लिए आप इसका भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने ए बी और इसका लिया। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा क्रॉस अपने लिए खुद चेक कीजिए कि बी सी का 10 है और तो मैं 10 का लूंगी तो 10 × 10 आ जाएगा, और नीचे भी 5 × 5 है, तो रेशो क्योंकि तभी तो सिमिलर है ना ये, तो 5 × 2 = 5, 2, तो फिर से यहाँ पर 4 आ जाएगा आपके पास, फिर से 4 × 1 ही आएगा, तभी तो ये सारे सिमिलर हैं। सिमिलर का मतलब ही यही है कि उनका जो रेशो आएगा वो प्रोपोर्शन में आएगा, तो प्रोपोर्शन में तभी है। तो अब यहाँ से हमारे पास इसका आंसर 36 आ गया। अब इसकी मार्किंग स्कीम की बात करते हैं, तो मार्किंग स्कीम में पहला मार्क आपको मिल जाएगा जब आप ये 12 सेंटीमीटर कैलकुलेट कर लेंगे।
यानी आपने जो साइड निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करना है वो आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। सेकंड आपको एरिया वाला ये वाला स्टेप करने पे मिल जाएगा जब आप कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर वहां पर शो कर देंगे। थर्ड आपको 36 सेंटीमीटर स्क्वायर निकालने का मिल जाएगा और ये क्वेश्चन आपके पास 4 मार्क्स में है। और फोर्थ मार्क आपको पता ही है पहले जब आपने सिमिलर प्रूफ किया था तो यहाँ पर भी एक स्टेप आपको यहाँ पर भी एक मार्क मिलेगा क्योंकि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सिमिलैरिटी का एक हो जाएगा, एक आपकी वैल्यू निकालने का, एक एरिया वाले थ्योरम को लिखने का और फिर लास्ट में आपका एरिया करेक्ट आने का, ये 4 मार्क्स की बाइफरकेशन हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 के लिए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, आवर फर्स्ट पार्ट इज अ मैन्युफैक्चरर सेल्स ए कैमरा फॉर ₹10,000 टू ए डीलर। तो पहले देखते हैं कौन कौन से इसमें रिलेटेड है। एक मैन्युफैक्चरर है, फिर आगे एक डीलर है एंड डीलर सेल्स इट टू द कस्टमर और डीलर ने आगे कस्टमर को दिया है एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%। तो डीलर ने आगे 12% का अपना प्रॉफिट भी इसमें बीच में लिया है। इफ ऑल ट्रांजेक्शंस आर विद इन द स्टेट एंड द रेट ऑफ GST इज 28% और GST की रेट हमें यहाँ पर टोटल जो है वो 28% दी है। तो आपको पता है CGST और SGST में हाफ हाफ यानी 14-14% हो जाएगी। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट में GST पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब डीलर का निकालने के लिए पहले हमें मैन्युफैक्चरर का निकालना पड़ेगा क्योंकि आइटम स्टार्ट तो यहीं से ही हुआ, कैमरा जो भी कैमरा है 10,000 का वो स्टार्ट यहीं से ही हुआ। तो अब मैन्युफैक्चरर ने जो CGST दिया या जो SGST दिया, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को जो दिया वो है कितना 14%। इक्वल टू है दोनों का 14% ऑफ कितना लिया है उसने 10,000 का। 14% ऑफ 10,000 मींस 14/100 इनटू 10,000, दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे यानी कि रुपीस 1400 इसने जीएसटी पे किया अभी मैन्युफैक्चरर ने। हमें तो डीलर का निकालना है तो अब हम डीलर पे आ जाते हैं। पहले डीलर का अभी हमारे को एसपी ही नहीं पता तो पहले फॉर डीलर एसपी कितना हो जाएगा यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, उसने उस पर 12% कमाया भी है तो पहले कितना मतलब 10,000 तो है ही है प्लस उसके अंदर 12% ऑफ 10,000 भी साथ में ऐड हुआ है तो 10,000 तो हम एज इट इज लिख देंगे प्लस इसके लिए हम 12/100 इंटू 10,000 करेंगे तो दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे यानी कि 1200 आ जाएगा। तो इसमें से 12 लोगे तो आपके पास 1200 तो मींस 1200 आपके पास इतने रुपीज आ जाएगा जो कि डीलर का एसपी पड़ा है क्योंकि अब आगे का प्रॉफिट, आगे का जो जीएसटी है वो हमारे पास इसके हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो अब डीलर के लिए कितना हो जाएगा CGST भी या फिर SGST भी डीलर के लिए 1200 पे कैलकुलेट होना है। अब रेट तो हमको पता ही है 14% है तो 14% ऑफ 1200 पे हम कैलकुलेट करेंगे तो 14/100 इनटू 1200 कैंसिल हो गया। 112 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा रुपीज 1568। तो अभी उसका 1400 था इसका 1568 हो गया। तो यहां से अब हम जीएसटी पेड बाय डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा जीएसटी कितनी पे कर रहा है डीलर स्टेट गवर्नमेंट को कितनी दे रहा है यानी कि एसजीएसटी ही निकाल रहे हैं हम इसके अंदर तो एक को ही दे रहा है तो डीलर के लिए कितनी बच जाएगी हमारे लिए जितना वो टोटल उसको देना है 1568 लेकिन उसके बिहाफ पे मैन्युफैक्चरर ने इतना तो उसको पे कर ही दिया तो उसको सिर्फ इसका डिफरेंस देना है। अब डिफरेंस कितना हो गया रुपीज 168 जो है वो डीलर की जीएसटी पेड आ जाएगी जो उसने मतलब स्टेट गवर्नमेंट को दी है। अब सेकेंड पार्ट में हमारे से मांगा गया टोटल टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल कितना कितना मिला है तो टोटल रिसीव्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कितना हो जाएगा 1400 यहां से मैन्युफैक्चरर ने दिया है और ये माइनस का जो पोर्शन है वो इसने दिया है यानी कि 168 वाला तो कितना हो जाएगा टोटल। सेकेंड पार्ट के लिए हम यहीं पर लिख लेते हैं टोटल टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि CGST टोटल कितना मिला है उसको तो मैन्युफैक्चरर ने दिया 1400 प्लस यही हम माइनस शो करेंगे यहाँ पर और ये 168 यहाँ से डीलर ने दिया यानी कि उनको फिर टोटल कितना मिला 1568 मिल गया। तो चाहे उनको मैन्युफैक्चरर ने दिया चाहे डीलर ने दिया उनको SGST 1568 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मिल गई। अब इसके अलावा थर्ड है प्राइस पेड बाय द कस्टमर। अब कस्टमर ने कितनी प्राइस पे की, पहले हमने देखा था कि डीलर ने उसको इतने में तो सेल ही किया है इतने का उसने बोला कि उसका एसपी यानी कि इतने का उसको देने जा रहा है लेकिन उस पर वो जीएसटी भी चार्ज करेगा और जीएसटी में हमारे दोनों चीजें यानी कि उससे दोनों चीजें चार्ज की जाएंगी यानी कि थर्ड पार्ट के लिए यानी कि कस्टमर के लिए हम जब करेंगे कैलकुलेट तो उसमें हमारा टोटल जो उसका प्राइस है 11200 प्लस जो ये 1568 एक बार जा रहा है
ये एक गवर्नमेंट के पास जा रहा है 15668 सेंट्रल गवर्नमेंट, और इतना ही हमारा स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जाएगा। इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 14336। ये टोटल कस्टमर का द्वारा जो उसने दिया है टोटल प्राइस, तो वो ये आ जाएगा लास्ट में। तो अब इसकी मार्किंग स्कीम देखिए, मार्किंग स्कीम में हमारे पास फर्स्ट पार्ट हमने निकाला, और ये क्वेश्चन आपको अभी तो 3 मार्क्स में ही आया, तो 3 मार्क्स में तो बहुत सिंपल है कि तीन पार्ट है तो तीनों का एक एक हो जाएगा। यानी आप 168 निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, फिर आपने सेकंड जो निकाला इसका सेकंड पार्ट 1568 करके, तो इसका आ जाएगा आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जीएसटी मिला है और कस्टमर ने कितना प्राइस पे किया है, इसका हमारे को थर्ड मार्क मिल जाएगा, क्योंकि ये तीन ही मार्क्स का, तो तीन मार्क्स इजिली, तीन पार्ट है तो तीन मार्क्स हो जाएंगे यहाँ पे। सेकेंड पार्ट हमारे को मॉड कैलकुलेट करना है, तो मॉड कैलकुलेट करने के लिए हमें हिस्टोग्राम बनाना रहता है। हिस्टोग्राम में भी फिर जब आप बार ग्राफ्स बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि उनकी विड्थ सेम होनी है, तो आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आपकी सेम आ जाएगी। बट अभी मैं ग्राफ पेपर पे नहीं बना रही हूँ, मैं आपको सिर्फ एक रफ आइडिया दे रही हूँ ताकि आप अपना आंसर चेक कर पाए। तो हिस्टोग्राम के लिए हमारे पास वैल्यूज क्या दी गई हैं, वेजेस यानी कि क्लास इंटरवेल हो गया, और ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब वेजेस में क्या क्या गिवन है, 40 to 50 रुपीज में इतनी कम वेजेस, नंबर ऑफ वर्कर्स 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 एंड 90 to 100। और फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वर्कर्स मीन्स फ्रीक्वेंसी हो गया, कितना कितना गिवन है, 3 है, 8 है, 12, 6, 4 एंड देन 2। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत हमें सिर्फ मीडियन के लिए होती है, हिस्टोग्राम में हमें कोई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए। तो हिस्टोग्राम में हम सिंपल से कैलकुलेशन रखते हैं, बस हमने यही देखना होता है इक्वल विड्थ आनी चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप गैप बीच में छोड़ दोगे तो फिर वो तो आपका हिस्टोग्राम ही नहीं बन पाएगा। तो इसमें भी हमने सेम ऐसे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस लेनी है, और उसके हमने लेनी इक्वल है। आप अपना जब बार ग्राफ पे मतलब ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आपके बिल्कुल सही आ जाएंगे। मैं तो अभी रफ बना रही हूँ, आप बस सिर्फ थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि हाँ आंसर अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा आपका। अब सबसे पहली रीडिंग हमारी यहाँ पर किससे स्टार्ट हो रही है, 40 से। तो ये नहीं, हमने यहाँ पर सबसे पहले एक किंक देना है क्योंकि हमारी वैल्यू जीरो से स्टार्ट ही नहीं हो रही है, तो यहाँ पर हम किंक दे देंगे, और किंक देने के बाद हम इक्वल विड्थ लेंगे। तो यहाँ से हमने 40 से स्टार्ट किया, तो 40 to 50 का हमें एक देना है, तो सबका 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 यहाँ तक हमने ये पूरा, और सबको जोड़ना है तो इसलिए बीच में गैप की जरूरत नहीं है। 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। अब हमने नीचे ये क्या लिया, 40 to 50 ये क्लास इंटरवल है, यानी हमारे क्वेश्चन के केस में ये वेजेस है, तो हम इस एक्सिस पे लिखेंगे वेजेस इन रुपीज, और इस तरह हमारी फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ वर्कर्स है, तो हमें यहाँ पर भी लिखना है नंबर ऑफ वर्कर्स। अब इस सब के स्केल के लिए हमें क्या देखना है कि कहां से कहां तक आ रहा है, 3 हमारा सबसे छोटा नंबर है, 2, 3 और लेकर हमारे को 12 तक जाना है इसमें, तो हमें कितने कितने का स्केल, 2, 2 का स्केल हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। अगर स्केल उन्होंने दिया होगा तो हमें उन्हीं वाला स्केल लेना पड़ता है, अभी नहीं दिया तो हम चूज कर सकते हैं कि हमारा 2-2 का डिफरेंस हो जाएगा। तो 2, 4, 6, 8, 10 एंड ये हमारा 12 हो गया। एक और एक्स्ट्रा ले सकते हैं हम, 2, 4, 6, 8, 10 एंड देन 12। अब आप देखिए बस 40 to 50 वाले का 3 है, तो 2 और 4 के बीच में आ जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएगा बीच में, 3 इक्वल विड्थ लेना है बस। आप मेरी तरह अप्रोक्सीमेटली मत लेना, 50 to 60 8 है, तो 8 वाली लाइन में आ जाइए। स्केल हमें इसमें भी ऊपर लिखना पड़ेगा कि हमने किसको कितना लिया है, जैसे एक्स एक्सिस के लिए हम क्या ले रहे हैं, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, मैंने नीचे कितने का लिया, 40, 50, 10, 10 का लिया ना, तो इज इक्वल टू जो भी स्केल हमने जिसमें पैरामीटर में लिया, जैसे रुपीज लिया तो रुपीज 10 लेना है, और वाई एक्सिस पूरा लिखना है आपने, वाई एक्सिस पे हमने ये पूरा 2 सेंटीमीटर और हमने इसको कितने के इक्वली लिया, 2 ही वर्कर के इक्वल लिया, तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 वर्कर्स। ये सब कुछ भी आपका लिखना बहुत मायने रखता है ना। 60 to 70 में हमारे पास 12 है, तो 60 to 70 में आप सबसे मैक्सिमम विड्थ पे आ रहे हैं, हाइट पे आ रहे हैं, जो कि 12 है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। 70 to 80 में हमारे पास 6 आ जाएगा, 6 से कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन लीजिए 70 to 80, देन 4,
और लास्ट में हमारे पास है टू। अब हमने करना क्या है, यहाँ की मैक्सिमम हाइट को जो भी हमारी आ रही है वो अपोजिट हम इसके साथ मैच करवा देंगे, और इस तरफ की आएगी तो इसको हम यहाँ नीचे वाले से मैच करा देंगे। जहाँ ये दोनों आ रही हैं तो वो हमारी लाइन हम नीचे लेकर आएंगे। और ध्यान क्या रखना है, अगर ये इसके दोनों तरफ वाली इक्वल इक्वल होती तो इसमें मेरा यहाँ पर मिड पॉइंट आ रहा होता, यानी कि 60 और 70 का बीच का 65 आ रहा होता। लेकिन क्योंकि मेरा इधर ज्यादा नीचे लाइन जा रहा है तो इट मीन्स यहाँ का जो लाइन जाएगा वो मेरा 65 नहीं हो सकता। तो इट मीन्स मेरी ये वैल्यू क्या आई है, 64 आई है। तो यहाँ पर आपका मोड जो आ जाएगा वो 64 आ जाएगा। तो आपने उसको सर्कल कर देना है कि हाँ जी मेरा इस पॉइंट पे 64 आ रहा है। तो 64 को आप शो करें कि हाँ जी हमारे को पता है कि हमने मोड कैसे निकालना है, हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करना है। अब मोड के आपको मार्क्स तो पता ही है, इसमें भी हमारे पास 3 मार्क्स का ही है। तो 3 मार्क्स मीन्स आपको एक बार ये कैलकुलेशन करने का हो जाएगा दोनों तरफ का, आपका एक्स और वाई एक्सेस लिखने का, बार सीख बनने का 1 मार्क, और एक आपका पूरा एग्जैक्ट मोड आने का आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास इसकी मार्क्स बाइफरकेशन आ जाएगी। नाउ इसी का हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं जो कि फिर से सर्कल से रिलेटेड है। मॉड जब हमारे को पूछा जाता है तो हम हिस्टोग्राम बनाते हैं, जब मीडियन दिया जाता है तो हम ओजिव बनाते हैं, और ओजिव को बनाने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, और जब मीन दिया जाता है तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं निकालनी रहती है। मीन में हमारे पास 3 मेथड हैं, उन्हीं में से अगले ही क्वेश्चन में भी हम आ रहे हैं 1 मेथड में, तो वहां पर मैं आपको मीन का भी थोड़ा सा क्लियर करूंगी। अब ये सर्कल का क्वेश्चन है तो पहले सर्कल को देख लेते हैं एक बार। सर्कल में आपके पास डायमीटर है, डायमीटर आगे तक जा रहा है, ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट इस तरफ भी जा रही है। तो आपको पता है एक ही पॉइंट से जब टेंजेंट आएंगी तो दोनों इक्वल लेंथ की होंगी। अब यहाँ हमारे पास ये दोनों भी ज्वाइन किए हुए हैं, ए सी देन हेयर डी एंड दिस इज बी, दिस इज सेंटर ओ ऑफ द सर्कल, और एंगल्स गिवन है। यहाँ हमारे पास एक्स गिवन है, और सबसे पहले इन्होंने ए और बी को भी ज्वाइन किया हुआ है, यानी ये पूरा ट्रायंगल बनाना है आपने, ए और बी को ज्वाइन करना है। ए बी को ज्वाइन करेंगे, इस पॉइंट पे हमारे पास 24 डिग्री का एंगल है, दिस इज एक्स दिस इज वाई एंड हेयर इट इज जेड। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, ये है हमारे पास टी ए टी बी ड्रॉन टू द सर्कल विद सेंटर ओ, और सेंटर ओ है, इट मीन्स ये भी हमें दे दिया क्लियरली, और टी ए टी बी टेंजेंट्स हैं, इट मीन्स हमें ये भी पता चल जाएगा कि टी ए और टी बी की लेंथ इक्वल होने वाली है, वो भी हम अभी थ्योरम से कर लेंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, पहले हमें स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि टेंजेंट है, और कोई भी टेंजेंट जब सर्कल के साथ सेंटर के साथ एंगल बनाती है टेंजेंट, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होता है। तो इट मीन्स हमारे यहाँ पर कहाँ बन रहा है, ये टेंजेंट यहाँ जा रही है, तो ओ बी टी यानी एंगल ओ बी टी हमारे पास कितनी आनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए, टोटल ओवरऑल 90 डिग्री होनी चाहिए। क्या लिखोगे, एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड रेडियाई, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियाई शुड बी परपेंडिकुलर और इक्वल टू 90 डिग्री। ये पूरा लिखनी है आपने, ये वाली चीज जो हम इस थ्योरम में लिखते हैं। तो आप ओ बी टी है कितना, ओ बी टी के लिए ये दोनों एंगल आ रहे हैं हमारे पास, इट मीन्स ओ बी टी का मेयर में हम एक्स प्लस 24 इक्वल टू 90 डिग्री लिख देंगे। आप चाहें तो एक बार वैल्यू भी लिख सकते हैं कि मैंने सी बी ए लिया फिर ए बी टी लिया, तो इसलिए एक्स प्लस 24 हो गया। तो इन दोनों को खोल के लिखिए, यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 माइनस 24। अब 90 माइनस 24 मीन्स हमारे पास कितना आ गया वैल्यू, 66 डिग्री का एंगल आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें अगला निकालना है। अब हमारे पास यहाँ और कौन सा एंगल है जो इक्वल हो सकता है, एक एंगल हमने ये कर लिया, अब हमारे पास ऑल्टरनेट सेगमेंट बन रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कॉर्ड है, और कॉर्ड जो है वो एंगल बना रही है यहाँ पे, ये पूरी की पूरी टेंजेंट वाली लाइन आगे जा रही है, टेंजेंट के साथ यहाँ पर कॉर्ड जेड एंगल बना रही है। आपको ये थ्योरम भी मालूम है कि अगर हमारे पास सर्कल होता है तो सर्कल में अगर टेंजेंट जा रही है और यहाँ ये कॉर्ड जा रही है, तो अगर सर्कल और मतलब ये कॉर्ड और टेंजेंट जो एंगल यहाँ बना रहे हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट में, वही एंगल यहाँ पर भी बनेगा। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। इसी थ्योरम को अब हम इसके अंदर यूज करेंगे, तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा, यहाँ एंगल हमारे पास कौन सा बन रहा है, सी ए डी जो हमें दिया गया जेड है, तो सी ए डी जो जेड है वो किसके इक्वल बन रहा है, ऑल्टरनेट सेगमेंट इसकी, ये टेंजेंट है और ये कॉर्ड है। अब यही कॉर्ड कहाँ पर और मीट करेगी, यहाँ पर मीट कर रही है, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 के इक्वल हो जाएगी। तो सी ए डी को ही हमने जेड लिखा और जेड की ही वैल्यू 24 डिग्री हो गई है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे कि 24 डिग्री हो गई है। हमने लिखना है पूरा एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड ए कॉर्ड थ्रू ए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट
इज इक्वल टू एन एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट, या अगर आप पूरा नहीं याद कर सकते तो कम से कम इतना तो लिख सकते हैं कि एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, एंड एंगल किसके बीच में बना है, टेंजेंट और कॉर्ड, इतना जरूर मेंशन कर दीजिए, एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट मेड बाय अ कॉर्ड एंड अ टेंजेंट, इतना जरूर करें, तब आपको इसका थ्योरम का नंबर मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 24। अब इसके बाद हम एक्सटीरियर पॉइंट टी से आ रहे हैं, तो यहाँ पर ए टी यानी कि एक टेंजेंट और बी टी यानी कि दूसरी टेंजेंट, दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होगी, क्या लिखेंगे, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटीरियर पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ये भी आपको पता है इक्वल इन लेंथ होते तो टी ए टी और बी टी आपस में इक्वल हो जाएंगे, इट मीन्स मेरा ये जो ट्राइंगल बन रहा है ए टी बी ए डी बी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स उसकी दो साइड्स जो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल आ रही है, इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, तो ये एंगल और ये एंगल तभी तो दोनों मिलके बनाएंगे, तो यानी ये एक्स है तो इट मीन्स इसकी वैल्यू भी एक्स ही हो जाएगी, हालांकि हम एक्स को कैलकुलेट कर चुके हैं तो ये भी एक्स हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास वाई निकल जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो यहां से वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 होना चाहिए और उसमें से 2x माइनस कर देंगे, 180 में से 2 और x की वैल्यू अभी हमने 66 निकाली है तो माइनस कर दीजिए, 180 में से 6 12 और 132, 180 में से 132 आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 48 डिग्री, यानी ये y की वैल्यू हो गई 48 डिग्री, तो हमने तीनों एंगल्स निकाल दिए x y और z तीनों एंगल्स निकाले हैं, सो द मार्किंग स्कीम ऑफ दिस क्वेश्चन इज आपका x इज इक्वल टू 66 का 1 मार्क हो गया, Z इज इक्वल टू 24 का 1 मार्क हो गया, Y इज इक्वल टू 48 का 1 मार्क हो गया, बच्चा फोर्थ वाला मतलब एक लास्ट नंबर वो कब मिलेगा, जब आप सारी की जो थ्योरम आपने दी है ब्रैकेट में वो आप ठीक से लिखेंगे, अगर आप कोई भी रीजन नहीं देंगे तो आपका माइनस वन होना ही है, तो थ्योरम्स आपको अच्छे से लर्न करनी पड़ेंगी, वैसे भी आप क्वेश्चन को इंटरप्रेट तभी कर पाएंगे जब आपको थ्योरम्स आती हैं, मैंने बताया मैंने सर्कल पे वीडियो बनाई हुई है उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी किए हुए हैं तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं, आई थिंक मेरे चैनल की बहुत स्टार्टिंग की वीडियो है वो, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, कीप वॉचिंग शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बाकी के क्वेश्चंस में नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगी अगर आपको चाहिए रहेगा तो, नहीं तो कोई बात नहीं आप मुझे लिख सकते हो कि मैम जरूरत नहीं है मत बनाइए मत मेहनत कीजिए, थैंक यू।